हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मरीन मरीन। मैं सुधीर आपको स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में हम होम बिल्ड क्वाडकॉप्टर सीरीज की पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो आज पार्ट 3 में, जैसे कि मैंने आपको इस सीरीज के पहले वीडियो में बताया था कि मैं इसके जब मतलब मोटर्स और इंटरनल हार्डवेयर इसमें सेटअप करूँगा, उस टाइम इसको खोल के दिखाऊंगा कि इसके अंदर जो कैसे कैसे जो स्पेस कैसे ज़्यादा है, जिसके मदद से आप इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स और जो बहुत सारे हार्डवेयर्स को आप अंदर आसानी से रख सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। तो जैसे कि ऑलरेडी मैं यहाँ पे सब अनस्क्रूज कर दिए हैं और यहाँ पे एक बस ऊपर का प्लेट है, जो प्रोटेक्टर प्लेट है पिक्सो का, बस यही है। तो आप जैसे कि अभी देख सकते हैं, बस ऐसे अभी ड्रोन ऐसे ही यहाँ पे कुछ ये जो प्लेट्स थे ये प्लेट्स अभी निकल गए ऐसे कुछ, ये बस जस्ट लगा हुआ था, फंसा हुआ था एक तरह का। और यहाँ पे जैसे कि दूसरा एंड में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक 3D प्रिंटेड का 16mm का क्लिप है एक्स्ट्रा, और यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा क्लिप है जो कि ऐसे मतलब ओरिजिनल वाला है। बस यहाँ पे मैंने 3D प्रिंटेड वाला लगवाया है, और जो पीछे वही एक एक वाला है, और ये रहे उसके साइड वाले आर्म्स। और आप देख सकते हैं साइड में कितना आपका स्पेस है, यहाँ पे बीच में बहुत सारा स्पेस है जिसकी मदद से आप यहाँ पे बड़ी आसानी से इसके अंदर जो हार्डवेयर लगाएंगे सब अच्छे से फिट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम फिट करते हैं इसके हार्डवेयर्स में मैं फिट करने वाला हूँ इसके मोटर्स, एसी और मेरे वीडियो ट्रांसमीटर और जो मेरे रिमोट कंट्रोल का रिसीवर, हाँ और भी एक है मेरे जो गिम्बल है, गिम्बल का एक पावर मॉड्यूल, वो कंट्रोलर है एक तरह का, उसको हम माउंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी ये इस एक मेरे पास जो चार मोटर है, ये MI-TOOT के 400 kV वाले मोटर, इसको मैं फिट करूँगा इसके नीचे। तो आपको एक बता दूँ, सबसे मेन थिंग है, ये ध्यान से सुनिएगा, सबसे मेन थिंग है इसमें लॉकटाइट जरूर जरूर यूज करें। तो आपको मैं लॉकटाइट दिखा देता हूँ। ये है एक लॉकटाइट जो कि लोकल शॉप से ख़रीदा हुआ है, ये फेवी फिट करके है, पिडलाइट का है, 20 रुपये का आता है, बहुत ही अच्छा चीज़ है और बहुत ही क्या बोलते हैं ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये मेरा एक फिंगर है, फिंगर से तो मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता, हाँ ये समझ पा रहे होंगे कि 50mm का डाया है, मतलब 5 सेंटीमीटर का इसका डाया है। और इतना बड़ा जो मोटर है इसके अंदर जब फिट होगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 950 वाट मैक्सिमम पावर जनरेट करता है ये, जस्ट इमेजिन अगर ये आप इसमें फिट करेंगे तो यहाँ पे इसके जो बेस पे कितने सारे वाइब्रेशंस होंगे, और जिस वाइब्रेशन के वजह से यहाँ पे आप जो स्क्रूज माउंट करने वाले हैं वो स्क्रूज आपको ढीले पड़ सकते हैं, समझ पा रहे हैं, स्क्रूज ढीले पड़ सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका मतलब फ्लाइट के दौरान ही आपका मोटर डिसेंबल हो सकता है, जिसके वजह से आपका व्हीकल क्रॉस हो सकता है। तो नेवर टेक ए चांस, ऑलवेज यूज थ्रेड लॉकर। तो अभी चलिए फिट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मोटर को माउंट करने के लिए मेरे को एक प्रॉब्लम हो गया, तो ये मैं अभी दूसरा शॉट शूट कर रहा हूँ, मतलब काफ़ी दिक्कत हो गया। दिक्कत ये था, मैं आपको बता दूँ, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो आप अंदर की जो आप बियरिंग देख रहे हैं, इसकी जो बियरिंग है और उसकी क्लिप है काफ़ी बड़ा है, ये करीब 14 mm के आसपास है, और ये जो इसका जो होल है ये डाया ये करीब 13 mm है, मतलब 1 mm से 2 mm कुछ बड़ा हो रहा था, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा था, अभी ये जो मोटर जब घूमेगा आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो रहा था, मोटर को ये मतलब टच कर रहा था इसकी बेस में गोल के अंदर ये, तो क्योंकि ये जो गोल है होल, इस होल से ये जो क्लिप है बड़ा हो रहा था, तो ये
प्रॉब्लम कर रहा था, तो इसके लिए मेरे को एक दिन रुकना पड़ा। मेरे को ऑनलाइन मैंने ये 1 मिलीमीटर के वाशर्स मंगवाए और मेरे पास स्क्रूज़ की भी कमी थी, तो इसलिए थोड़ा उस टाइम पे मैं नहीं कर पाया। फिर एक दिन के बाद ये जब आज मेरे पास आके पहुंचा, ये आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, दो दो वाशर हैं, इनको मैं थोड़ा ग्लू से चिपकाया, फिर इनको थोड़ा मतलब थोड़ा हाइट बनाया, और यहाँ पे भी एक वाशर दे के इनको मतलब टाइट किया। यहाँ पे वाशर देने का रीज़न ये था कि ये वाला जो स्क्रू है ये 10 mm के स्क्रू हैं, स्टेनलेस स्टील वाले, और ये जो ब्लैक वाले आप देख रहे हैं ये माइल्ड स्टील के हैं और 8 mm के हैं, और इसलिए मैं 10 mm लगा रहा था कि यहाँ पे जो आप देखेंगे यहाँ का जो वायरिंग है, ये जो वायरिंग यहाँ पे है, वायरिंग के जस्ट पीछे मेरा ये स्क्रू ख़त्म हो रहा है। तो इशू ये हो रहा था कि अगर आप ज़्यादा टाइट कर देंगे बिना देखे तो ये इसको मतलब ख़राब कर सकते हैं इसकी वाइंडिंग को, तो मेरे को थोड़ा काफ़ी दिक्कत हुआ इसको सब लगाने में, लेकिन फाइनली ये लग गया। और जब लगाने के बाद फिर दोबारा इशू हुआ था कि ये जो आप डाया देख रहे हैं और ये करीब मोटर माउंट को छुपाई दे रहा है, यहाँ पे इम्पॉसिबल हो रहा था इसको टाइट करने के लिए, मतलब बाहर से टाइट करने के लिए, तो फिर मेरे को दोबारा खोलना पड़ा और ये जो क्लीप है, क्लीप को पहले लगा के बाद में मोटर की ये लगाना पड़ा, तो थोड़ा टाइम लग गया, काफ़ी थोड़ा नहीं बहुत टाइम लग गया। तो फाइनली कुछ ऐसे ही है, अभी जैसे कि आप माउंट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से माउंट होगा, ये वायर आउटसाइड रहेगा और ये इसके होल के अंदर जाएगा और यहाँ से ये टाइट होगा। टाइट होने के बाद यहाँ पे जो आप नीचे वाला पीस देख पा रहे होंगे, ये उसका नीचे वाला पीस है, ये नीचे से टाइट होगा। तो अभी आपको मैं एक रेफरेंस दे देता हूँ, इसको शायद मैं शूट ना कर पाऊँ या फिर टाइम लैप्स पे शूट करूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा। दिक्कत ये है कि ये जो मेरे ESCs हैं, अभी जैसे कि मैं हॉबिंग के ESC यूज़ करने वाला हूँ, इनको मुझे माउंट करने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं इसका सोल्यूशन निकाला कि कहाँ से कैसे माउंट करूँगा, तो थोड़ा टाइम लग गया सोचने में। अभी जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये कुछ ऐसे रहेगा, ये कुछ ऐसे रहेगा, और ये जो वायरिंग है ये नीचे से जाएगा और ये बैटरी प्लेट के पीछे की तरफ लगेगा, और ये जो बैटरी माउंट है ऐसे रहेगा और इसके नीचे से ऐसे जाएगा, तो ये इसमें सब वायरिंग होंगे। अब मैं इसको सोल्डरिंग करवाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे मेरा पिकसॉक रहेगा बीच में, ये शायद मैं टाइम लैप्स पे शूट करूँ तो आपको पता ना चले, बस एक रेफरेंस के लिए बता देता हूँ। यहाँ पे मेरा पिकसॉक रहेगा, उसके बाद ये जो ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर करीब यहाँ पे मेरा, इन दोनों के बीच में मेरा ट्रांसमीटर रहेगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरा ट्रांसमीटर रहेगा, ये ट्रांसमीटर की सेटअप हो गया। उसके बाद सेम आगे पे भी जो ESC दोनों रहेंगे वो भी उस तरह इसकी तरह डिक्लाइन होके मतलब ऐसे एंगल बना के रहेंगे, वहाँ पे भी थोड़ा स्पेस की कमी है। और दूसरी चीज दिखा देता हूँ, ये इसका ऐसा कवर है, ये कवर ऐसे रहेगा, ये कवर ऐसे रहने के बाद ये जब और जो मेरा GPS है, GPS इधर मैं ओपन माउंट करूँगा विथ एक एल्यूमिनियम का जो एंटी मैग्नेटिक फील्ड, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, एंटी मैग्नेटिक केस है जो है एल्यूमिनियम का, उसी में लगाऊंगा, और बाकी सब ऐसे अंदर रहेंगे। और उसके बाद और इन मोटर्स को मैं चारों मोटर्स को माउंट करूँगा, जैसे कि यहाँ पे दिखा देता हूँ, चार मोटर्स ऐसे कुछ क्लिप रहेगा, ऑलरेडी मैंने लगा दिया है, बस इसको मुझे यहाँ पे कसना है और टाइट करने हैं। और दूसरा एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दोनों तरफ ESC के पॉइंट है, और ये जो मोटर की वाइंडिंग है, जो सॉरी वायरिंग है, काफ़ी छोटी है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी
ये वायर रखा है, ये यहाँ पे जैसे 20AWG का वायर है, ये भी 20AWG का वायर है। इसमें मैं इस एंड में मेल प्लग सोल्डरिंग करूँगा और दूसरी एंड में फीमेल प्लग सोल्डरिंग करूँगा। और यहाँ पे मैं एक एक्सटेंशन वायर बनाऊँगा, करीब 15 सेंटीमीटर के आसपास आएंगे, जितने भी होंगे ये अप्रॉक्सीमेटली इतने से काट के मैं अपने से ये बना के इसको सेटअप करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे सोल्डरिंग का काम हो गया कंप्लीट, चारों ESC यहाँ पे लग गए और ये जो मेन पावर केबल है ये भी लग गया। वही एक XT60 कनेक्टर, मैं भी इसको मैं फ्यूचर में चेंज करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि जो XT60 कनेक्टर होता है वो मैक्सिमम 60 एम्प्स तक करंट को, मतलब 60 एम्प्स करंट के लिए बना हुआ है। तो देखते हैं XT90 कनेक्टर करेंगे तो चेंज करेंगे तो कर लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में चेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जैसे कि मैंने एक ये ग्लास फाइबर का एक स्लीव आता है, दुकानों में मिल जाएगा आपको, एक कंड्यूट टाइप का है जो कि आपको एसी का जो वायर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा काफ़ी, जो बीच में अभी यहाँ से वायर पास हो रहे हैं घिस के कट ना जाए उनको प्रोटेक्ट करेगा। और यहाँ पे अभी जो मोटर्स मुझे लगाने थे, मोटर्स यहाँ पे अगर मैं लगा देता हूँ अभी तो ये थोड़ा भारी हो जाते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इसमें हम मोटर्स माउंट करेंगे, बट मोटर्स को कैसे माउंट करना है सब कुछ मैंने दिखा दिया है, बस इसको ट्यूब में डालना है और नीचे से टाइट करना है लेवल करके, बस इतना ही रह गया। और आज की वीडियो में बस इतना ही है, और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में हम पिकसॉक और I2C स्प्लिटर और RGB OLED और जितने भी इसके कंपोनेंट हैं बाकी सब, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, हम उसमें माउंट करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। ये थोड़ा मतलब ये जो वीडियो है पर्टिकुलर वीडियो मेरे को 2 दिन लगे शूट करने में, क्योंकि मेरे पास कुछ पार्ट्स वगैरह नहीं थे जो कि मैंने सेम एमरजेंसी में मंगवाया ऑनलाइन, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। ये 2 शॉट में ही शूट हुआ है ये वीडियो। आपके अगर ये PDB वगैरह और ये जो इनके रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव ए गुड डे फ्रेंड्स।